पर आपको बता दें कि अनशन वेन्यू पर प्रोटेस्ट होने पर मंत्री आतिशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बीजेपी के हथकंडे से डरने वाली नहीं, यह अनशन जारी रहेगा, कुछ लोग मुझ पर हमला करने आए हैं। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है, 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा, और इन 28 लाख लोगों को पानी दिलवाने के लिए मैं कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हूँ। आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूँ, गांधी जी के सिखाए हुए अनशन के रास्ते पर चल रही हूँ। मैं ऐसी चीजों से डरने वाली नहीं हूँ।